हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट कस्टर्ड या फिर ड्राई फ्रूट की खीर। तो देखिए हमने कैसे बनाई हेल्दी और टेस्टी। जो बच्चे ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते हैं वो इस तरह से देंगे, आप खिलाएंगे तो सारे के सारा चट कर जाएंगे। और इस समय पर जैसा समय है उस हिसाब से तो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ने वाला ये ड्राई फ्रूट खीर या ड्राई फ्रूट कस्टर्ड कैसे बना है। तो प्लीज अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। गाइस आप लोगों ने फ्रूट कस्टर्ड बहुत खाया होगा बट ड्राई फ्रूट कस्टर्ड नहीं खाया होगा, तो आज हम बनाना बताएंगे आपको ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रीडियंट। ये देख सकते हैं गाइस हमारे कुछ ड्राई फ्रूट, दो अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, हमने इसमें ले लिया है। दिख तो रही नहीं। अच्छा ये देख सकते गाइस ये सारे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये हमने ले रखा है दूध। ये देखिए गाइस हमने ले लिया शुगर, जितनी हम ऐड करेंगे उतनी आपको क्वांटिटी बताएंगे। और ये हमने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, जो कि हम यूज करेंगे। गाइज एक बात और, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी, क्योंकि हम माइके में कोई सेटअप वगैरह नहीं है क्लियर, तो इस वजह से। और ये देखिए गाइज हम लेंगे दूध, तो नॉर्मल ग्लास से नॉर्मल दूध है तो हम दो ग्लास दूध इसमें ऐड करेंगे, वन ग्लास। ये रहा टू ग्लास, ये देख सकते हैं टू ग्लास दूध। अब इसको हम बॉयल कर लेंगे। ये देखिए इसको हम बॉयल करेंगे गाइस, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे कि हमारे तली में चिपके नहीं। इसको बॉयल करने के बाद हम फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस जब तक दूध में हमारे बॉयल आ रहा है तब तक ये हम कुछ ड्राई फ्रूट जो लिए थे वो महीन महीन ने कट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कुछ हमने दो टुकड़ों में किए हुए हैं जिनको हम डेकोरेट करने में इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हमारा बॉयल आता है तब तक क्या करते हैं कि कस्टर्ड पाउडर अपना बना लेते हैं जो कि हमें इसमें ऐड करना है। ये देख सकते हैं गाइस हाफ टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है इसने, बस इतना ही हम डालेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको इसको हल्का सा बनाना है। ये देख सकते हैं गाइस हमने एक स्पून ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, नॉर्मल दूध, जो कि इससे इसमें हम ऐसा दूध डालेंगे जिससे इसे गांठे भी ना पड़े और बढ़िया सा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मिल चुका है। अब इसी घोल को हम डालेंगे बाद में जब हमें जरूरत होगी। देखिए हाफ ग्लास दूध हमने ऐड कर लिया है इसमें जिससे कि बिल्कुल गांठ ना रह जाए। तो अब इसमें हम देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस हम चीनी ऐड करेंगे, एक दो तीन, हमने 6 स्पून चीनी ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हम पिघला लेंगे, जब तक ये हमारी चीनी मेल्ट होगी उसके बाद में हम क्या करते हैं आपको दिखाएंगे। तो इसको हम चीनी पिघला लेते हैं। और ये देखते गाइस हमने आपको अपना नारियल नहीं दिखाया था, हमने इसमें नारियल भी ऐड किया हुआ, इसीलिए इस नारियल की वजह से ही हमने सिर्फ 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आप नारियल स्किप कर देते हैं तो कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नारियल भी है ना, ये हमारा दूध अब्सॉर्ब करेगा इसकी वजह से, तो गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी वजह से हमने कस्टर्ड पाउडर कम लिया हुआ है। गाइस एक बात और, ड्राई फ्रूट का कस्टर्ड बना के खाने से इम्यूनिटी पावर हमारी बूस्ट होती है, क्योंकि इसमें हमने बादाम, काजू, किशमिश और पास्ता और अखरोट वगैरह लिया हुआ है सब कुछ, तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं चीनी हमारी मेल्ट हुई या नहीं। ये देख सकते हैं गाइस चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये कस्टर्ड पाउडर है उसको हमें हिला लेना है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर हमारा नीचे बैठ जाता है ना, इसको हिलाते हुए ही हमें अपने दूध में ऐड करना है।
क्योंकि गांठे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमें गाढ़ा फ्लेवर मिलता है, जिससे कि हमारे दूध में गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर आए। तो अब इसको हम चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। अब ये देखिए गाइस, हमारे दूध में बॉयल आ चुका है, तो इसको अब हम 2 से 3 मिनट बॉयल होने देंगे, ठीक है। ये देखिए बॉयल आ चुका है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अपने जो ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे, जैसे कि अपना नारियल, ठीक है, और ये अपना कटा हुआ बादाम है, काजू भी, किशमिश, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम पकाएंगे इसके साथ में, ठीक है, और उतना पकाना है हमें जितना हमें गाढ़ा उसको खाना है, ठीक है। कुछ लोगों को पतला पसंद होता है, कुछ लोगों को थिक पसंद होता है, तो हम मीडियम साइज का बनाएंगे, तो इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट पका लेते हैं, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस, हमारा गाढ़ा होने लगा है। एक बात और गाइस, अब इस टाइम पर ये जो गाढ़ा होने लगा, इसको पकते पकते लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और अब ये हो चुका है गाढ़ा हल्का सा, ठीक है। तो अब इसको छोड़ना नहीं, ठीक है, वरना देखिए इस तरह से तली में चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर अब चलाते रहिएगा, तो जितना थिक आपको चाहिए उतना थिक आपको करना है। और गाइस, इसको आप ड्राई फ्रूट की खीर भी बोल सकते हैं, और इस टाइम ये सर्दियों में खाने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंड भी नहीं लगती है और हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, दिमाग भी बढ़ता है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग भी बढ़ता है, क्योंकि ये इसमें हर एक चीज है, ठीक है, जैसे विटामिन, बादाम में विटामिन ई वगैरह है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, सल्फर, सब चीजें इसमें उपलब्ध हैं, इस वजह से। तो आपको जितना ठीक करना है उतना ठीक आप कर सकते हैं। तो अभी हम 2 मिनट और पकाएंगे, देखिए इस तरह से कर रहे हैं, तो गाढ़ा तो हो रहा है, हमारे स्पैचुला पे लग रहा है, लेकिन जिस तरह से कोटिंग हमको चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे 2 मिनट। तो देखिए गाइस, हमको इतना ही पतला चाहिए, ठीक है, हमारा हो चुका है पतला, मतलब जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना हो चुका है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहिए। देखिए हमने एम ऐसे कर रहे हैं ना, तो हमारे स्पैचुला पे पतली सी कोडिंग हो रही है, ठीक है, तो बस यही हमको कौन चाहिए कि इतना सा हमारा हो जाए। ये देखिए ये लग रहा है ना हल्का सा थिकनेस, और ये ठंडा होने के बाद में और भी थिक हो जाएगा, इसलिए अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे, बंद कर देंगे फ्लेम को, जिससे कि अब इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। गाइस ये है, ये हम अपना ठंडा कर भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हल्का सा ठंडा होता है, फिर इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे ड्राई फ्रूट की खीर या ड्राई फ्रूट का कस्टर्ड तैयार है, जिसको अब हम सर्व करेंगे बाउल्स में इस तरह से। देखिए गाइस, इसको डेकोरेट करने की भी जरूरत नहीं है, कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही, और बच्चे भी खाएंगे तो उनका पेट भी भर जाएगा और सेहतमंद भी बहुत सारा है। और ये देखिए कुछ बादाम ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इनको हम डेकोरेट कर देंगे, मन के हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टेस्टी ये लगता है खाने में, क्योंकि हमने ट्राई किया है, हमारे बच्चे जो ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते हैं वो इस तरह से फटाफट सारा खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज का बना हुआ, उनको टेस्टी इतना लगता है, बिल्कुल आइसक्रीम की फ्लेवर लगती है। गाइस प्लीज, बहुत इसमें मेहनत करी है हमने, अगर आपको प्लीज ये पसंद आए रेसिपी तो जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं बाहर जाके सेटअप लगाना या बनाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए, हमने अपने हिसाब से सजाया है, डेकोरेट किया है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी, अगर प्लीज पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ये देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है
तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।